स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था कि किस तरह से ये अपना एक मोरूला ब्लास्टुला में बदलता है, ब्लास्टुला ग्लैस्टुला में बदलता है और उसके अंदर किस तरह से एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म बनते हैं। ये सारे प्रोसेस के बारे में आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया था। तो आज उससे आगे चलते हैं। ये जो गैस्टुला स्टेज था, उस गैस्टुला स्टेज को हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। तो गैस्टुला स्टेज में आगे अपना बनता है, जो अपना अब डिवाइड हो जाएगा, लेवल ऑफ डिवीजन मिलेगा और उस गैस्टुला के बाद जो इनर मास सेल बदला था, अब उस इनर मास सेल में हम डिवीजन देखेंगे। देखिए, यहाँ से हम आपको बता दें कि ये जो अपना इनर मास सेल था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी हम बोलें तो उसका कुछ सेंट्रल पार्ट होता है और कुछ पेरिफेरल पार्ट होता है। ये पिछले क्लास को एक बार थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था ये बाहर में जो होता था इसका नाम देते थे ब्लास्टोसिस्ट सेल या फिर आउटर मास सेल, और इसके अंदर जो हुआ करता था उसका नाम हम देते थे इनर मास सेल। तो ये जो अपना इनर मास सेल है, अब ये इनर मास सेल दो तरह से डिवाइड करते हैं। जरा देखिए, ये इनर मास सेल जिसको हम बताए थे स्टेम सेल, वो दो तरह से डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करके हम देखेंगे ये डिवाइड करता जाएगा और उसके ऊपर मेम्ब्रेन मतलब सेपरेटेड होते चलते हैं। अब ये ब्लास्टोमियर तो वहाँ पे नाम दिए नहीं थे क्योंकि उसके बाद हम बोले थे धीरे 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 क्लीवेज स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर क्लीवेज खत्म हो गया था पिछले वीडियो लेक्चर में और आज से माइटोसिस स्टार्ट हो गया है। जरा देखिए, इसमें होगा क्या, इनर मास सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एक पेरिफेरल की तरफ लेयर बनाएगा और एक सेंट्रल लेयर होगा। जो पेरिफेरल होगा उसका नाम देंगे पेरिफेरल पार्ट और जो सेंटर में होगा इसका नाम देंगे सेंट्रल पार्ट, और यही सेंट्रल पार्ट आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये अच्छा यहाँ से फेमस क्वेश्चन पूछता है, यानी आपको नीट के एग्जाम में यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप हमें ये बताइए जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो करता है वो इनर मास सेल का सेंट्रल पार्ट करता है या पेरिफेरल। तो आंसर अपना जाएगा पेरिफेरल, और इस पेरिफेरल पार्ट का नाम हम देंगे एम्ब्रियो प्रॉपर नाम देंगे। फिर देखिए, ये जो पेरिफेरल पार्ट ये जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका नाम देते हैं एम्ब्रियो प्रॉपर नाम देते हैं, और ये जो पेरिफेरल पार्ट होता है ये हम बात करते हैं ये एम्ब्रियो को नहीं बनाता है, ये एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, केवल एम्ब्रियो का प्रोटेक्टिव पार्ट बनाएगा, न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा वो पार्ट बनाता है, इसका नाम देंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन। अब देखिए, इसी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे। यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन आगे डेवलप कर लेता है और डेवलप करके बनाता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और इस एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, ये बाहर से न्यूट्रिशन लेकर के इस न्यूट्रिशन को एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना। क्लियर है क्या, हम बताएंगे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, साथ ही साथ एक्सक्रीशन वगैरह में हेल्प करता है इसका। देखिए, हम बात करते हैं यहां से ब्लास्टोमियर जब सेलुलर डिवीजन करने लगता है तो इसका नाम देते हैं ब्लास्टोडर्म, और आगे चल करके ये प्रोसेस मिल रहा है। क्लियर है क्या। फिर देखिए, ये जो अपना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन है, इसी यही आगे चल करके चार मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक का नाम देते हैं एमनियन, दूसरे का नाम देते हैं कॉरियन, तीसरे का नाम देते हैं यॉक्सिक और चौथे का नाम देते हैं एलेंट्रिस। जरा देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी को हम माने तो केवल इसका ये आपको नाम याद रखना है, लेकिन जो लोग थोड़ा बाहर से पढ़ रहे होंगे उनके लिए हम इस सब के बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट आपको बताएंगे। हाँ जी, तो कल का एक क्वेश्चन आपको बताए थे ए बी सी करके, तो उसका सही आंसर आराध्य का आया है, उसके अलावा कोई हमें आंसर नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ से आपको हम इस सब के बारे में आगे बताते हैं, ठीक है ना। एक चीज और देखिए, ये जो एमनियन लेयर है, ये जो एमनियन लेयर है ये किसी किसी ऑर्गेनिज्म में हो भी सकता है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये नहीं भी हो सकता है। तो चलिए, हम बात करते हैं पूरे एनिमल किंगडम को एमनियन के प्रेजेंस होने, यानी हम बात करें पूरे एनिमल की बात करें, यानी कॉर्डेट्स की बात करते हैं, पूरे कॉर्डेट्स को हम एमनियन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी किसी में एमनियन होगा और किसी में एमनियन नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ से आपको आगे हम बताते हैं ये जो अपना एमनियन है इसके बेस पे। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता रहे हैं ये अपने किसी काम का नहीं है, फिर बताएं ये अपने काम का है और ये अपने काम है। तो सेंट्रल पार्ट एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा, पेरिफेरल पार्ट बनाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, और ये मेम्ब्रेन चार पार्ट में होते हैं,
चार लेयर के होते हैं, एक होता है एमनियन, दूसरा कॉरियन, तीसरा योक्सिक, चौथा एलेंटाइस। क्लियर है क्या? अब देखें यहाँ से हम थोड़ा इसके डिवीजन देख लेते हैं। ये कभी कभार ये क्वेश्चन आपको रिलेट करता है क्लास इलेवेंथ के एनिमल किंगडम से। जरा देखिए जितने भी हम बात करते हैं कॉर्डेट्स हैं, जितने भी कॉर्डेटा है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जरा देखिए थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। तो हम बात करेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एमनियन। तो हम कहेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एमनियन। यानी हम बात करें इस एमनियन के होने या ना होने के बेस पे पूरे एनिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जरा देखिए एक का नाम देंगे एमनियोटा, दूसरे का नाम देंगे एन एमनियोटा। देखिए एमनियोटा नाम देंगे और दूसरा, यानी हम बात करें एमनियोटा और दूसरे का नाम देंगे एन एमनियोटा। क्लियर है क्या? यानी हम देखेंगे एक वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एमनियन लेयर प्रेजेंट होंगे और एक वैसा जिसमें एमनियन लेयर एब्सेंट होगा। तो हम बात करेंगे वैसा एनिमल जिसके अंदर एमनियन लेयर जो होगा या एमनियन जो होंगे प्रेजेंट होगा उसका नाम देंगे एमनियोटा, और इसमें हम देखें यहां से एमनियन एब्सेंट होगा इसका नाम देंगे एन एमनियोटा। क्लियर है क्या? अब जरा देखें हम बात करें यहां से कॉर्डेट्स की। यहां से जरा देखें कॉर्डेटा की बात करते हैं। ये कॉर्डेटा अपना जो है फाइलम है। जरा देखिए हम बात करते हैं एनिमल, यानी हम बात करें एनिमल जो है अपना किंगडम है और ये कॉर्डेट्स जो है अपने ये फाइलम है, और इसको हम डिवाइड करते हैं पांच क्लास में। यानी हम बात करते हैं ये एनिमल को हम पांच क्लास में डिवाइड किए हैं। यानी हम बात करें एनिमल किंगडम, इसमें कॉर्डेटा फाइलम, और इसको पांच क्लास में डिवाइड करते हैं। जरा देखिए आपको याद होगा यदि आप क्लास इलेवेंथ के एनिमल किंगडम पढ़े होंगे तो कॉर्डेट्स में सबसे छोटा जो होता है पाइसीज होता है, पाइसीज। फिर बात करेंगे यहां से एम्फीबियंस, फिर बात करेंगे यहाँ से रेप्टाइल्स, फिर हम बात करेंगे यहाँ से एविस, और फिर बात करेंगे यहाँ से मैमल्स। यानी हम बात करेंगे ये जो कॉर्डेट्स हैं इसमें पांच क्लास आए हैं। अब देखिए ऊपर से दो, यानी पाइसीस और एम्फीबियंस, ये दोनों जो होते हैं एमनियोटा में नहीं आएंगे, ये आएगा एन एमनियोटा में। यानी हम बात करें इसका एग्जाम्पल होगा पाइसीस और साथ ही साथ एम्फीबियंस। क्लियर है क्या? और ये तीन जो है रेप्टाइल, एबीज और मैमल्स, ये किसमें आएंगे? एमनियोटा में। यानी हम बात करें रेप्टाइल, फिर बात करेंगे यहां से एब्स, और हम बात करें मैमल्स। यानी हम बात करें ये सारे जो आएंगे एमनियोटा। क्लियर है क्या? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेट करता है क्लास इलेवेंथ के एनिमल किंगडम से। क्लियर है क्या? तो देखिए ये आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड बताया, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको याद तो रखना है इसको। हम बताए क्या? हम बताए ये जो अपना इनर मास सेल होता है उसमें सेंट्रल और पेरिफेरल, सेंट्रल जो होता है ये इम्ब्रियो प्रॉपर बनाता है और पेरिफेरल जो बनाता है वो बनाता है एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चार पार्ट में होते हैं, जो इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, प्रोटेक्शन देगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, साथ ही साथ मदर और फीटस के बीच का जो गैसियस एक्सचेंज होगा इसमें हेल्प करेगा। और हम बात करें ये चार पार्ट में होते हैं, बताया एमनियन, कॉर्नियन, एक बताया एमनियन, फिर बताया कॉर्नियन, एक बताया आपको एलेंटाइस, और एक और आपको बताया यहाँ से, टोटल चार लेयर हम आपको बताए, जिसमें हम बताए एमनियन किसी में हो भी सकता और एमनियन किसी में नहीं भी हो सकता। जिसमें एमनियन होगा एमनियोटा नाम देंगे और जिसमें एमनियन नहीं होगा एन एमनियोटा नाम देंगे।
तो एन एमनियोटा में प्रिमिटिव कॉर्डेट्स आते हैं पाइसीज और एम्फीबियंस, और इसमें आएंगे रेप्टाइल, एबिस और मैमल्स। क्लियर है क्या? तो अब देखिए यहाँ से एक हम डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में हम मेंशन करेंगे चारों लेयर को, चारों पार्ट को, और फिर जाकर के आपको चारों के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट देखने। चलिए देखिए यहाँ से एक हम डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपको बता ही दिए यहाँ से। अब देखिए सबका एक एक करके हम काम देख लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ से चार, ये बाहर वाला जो रहता है इसका नाम देते हैं कॉरियन, ये उसके अंदर जो है ये वाला पार्ट इसका नाम देते हैं एमिनियन, है ना। और हम बात करते हैं ये जो कैविटी रहा इसका नाम दिए एमनियोटिक कैविटी, ठीक है ना। और देन यहाँ से ये जो रहा ये रहा अपना इम्ब्रियो प्रॉपर, और ये जो रहता है ये रहता है अपना एम्बिलिकल कॉर्ड, एम्बिलिकल कॉर्ड रहता है। देन यहाँ से ये बाद में जाकर के फ्यूचर एम्बिलिकल कॉर्ड में बदल जाता है ये इम्ब्रियो साइको। अच्छा देखिए हुआ ये क्या, हमको लगा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और जब हम इसको रोकने चले, सेव करने चले, जब मिटा रहे थे तब पता चला जो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, इसलिए हमें दोबारा लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से हम ये डायग्राम आपको बता रहे थे जो ये पहले यहाँ रहता, जरा सा फील करें इसकी बात करें, इस डायग्राम को हम निकाल करके थोड़ा बड़ा कर लिए। इसमें देखिए आपको पहले अभी इसी वीडियो लेक्चर में शुरू में बताया गया था कि इम्ब्रियो के दो पार्ट, एक इनर जो आगे जाकर के इम्ब्रियो बनाता है इसलिए इसका नाम इम्ब्रियो प्रॉपर देते हैं, और आउटर पार्ट जो है उसका नाम देते हैं एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये चार लेयर बनाते हैं, ये चार पार्ट में कॉरियन, एमनियन, योक्सिक और एलेंट्राइस बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए यहाँ से सबसे पहले एमनियन देखते हैं। एमनियन को देखेंगे तो ये जो है ना इम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर्ड किए रहता है। तो जरा देखिए ये पॉइंट यहाँ से आपको ध्यान में आ गया, दे कवर्ड द इम्ब्रियो ऑल साइड। क्लियर है क्या? ये पूछ लेगा तो बता दीजिएगा। देन यहाँ से बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के 8 वीक के बाद, 2 महीने के बाद ये जो एमनियन है धीरे 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 छोटा हो जाएगा और यहाँ से देख लेंगे ये एम्बिलिकल कॉर्ड से जुट जाएगा। क्लियर है क्या? देन यहाँ से देखेंगे कॉरियन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना। कॉरियन कोई ज्यादा जरूरी वाला पॉइंट नहीं है, कॉरियन का ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। जरा देखिए कॉरियन क्या कह रहा है, कॉरियन कह रहा है जो ये आउटर पार्ट है और इसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो यूट्रस के साथ जुड़ने में काम देता है। जरा देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो यूट्रस के साथ जुड़ने में काम देता है, और आगे फ्यूचर में चल करके यानी 4 महीने के बाद ये जाकर के प्लेसेंटा के रूप में बदल जाता है। क्लियर है क्या? ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे ये जो अपना रहा योक्सिक, योक्सिक की बात करते हैं, ये इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और धीरे 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 ये छोटा होने लगता है, कोई काम का नहीं है। यहाँ से एलेंट्राइस की बात करें, ये जरूरी वाला पॉइंट है। ये एलेंट्राइस में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो आगे जाकर के इम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा, और इम्ब्रियो को कनेक्ट करने से क्या करेगा हम बात करें, इसके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेशन ब्लड वेसल्स जो बनेंगे इसमें कई तरह के काम होंगे, जैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, इस सब में ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम मेन चीज देखेंगे प्लेसेंटा, ये ज्यादा जरूरी वाला पॉइंट नहीं है जिसमें ये डबल टिक लगाए हैं। एमनियन आपको याद रखना है, कॉरियन का ये पॉइंट, योक्सिक किसी काम का नहीं है, और एलेंट्राइस आपको ध्यान रखना। चलिए यहां से अब देखते हैं ये वाला पार्ट जो आगे फ्यूचर में चल करके प्लेसेंटा बनाएगा, इसको हम आगे चल करके आपको एक पहले एम्बिलिकल कॉर्ड बताते हैं, देन आपको प्लेसेंटा आपको बताया जा रहा है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आपको हम बताते हैं जो एम्बिलिकल कॉर्ड का क्या काम है और ये क्या करता है इसकी बात करें। तो जरा देखिए एम्बिलिकल कॉर्ड जो है 100% फीटल बॉडी, फीटल स्ट्रक्चर है। हम बात करें एम्बिलिकल कॉर्ड बनाने में मदर का कोई रोल नहीं होता है। तो जरा देखिए ये रहा अपना एम्बिलिकल कॉर्ड, और ये एम्बिलिकल कॉर्ड 100% फीटल रहता है। ये एम्बिलिकल कॉर्ड बना किस किस का होता है, तो हम बात करें ये एम्बिलिकल कैविटी का बना होता है, एम्बिलिकल वेंस एंड आर्टरीज होती हैं, साथ साथ एलेंट्राइस होता है, और साथ साथ एमनियन होता है। एलेंट्राइस क्या होता है आपको बताए ही थे, जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता था, और एमनियन क्या होता था वो पूरे फीटस को कवर्ड करता था, वो स्ट्रक्चर हम बताए थे। क्लियर है क्या? देन यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ पर ये जो ब्लड को अंदर की तरफ ले जा रहा है इसका नाम हम देते हैं एम्बिलिकल वेन,
और जो बॉडी से बाहर के तरफ लाता है इसका नाम देते हैं आर्टरी। देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा काम है, जरा देखिए एम्बिलिकल वेन का काम होता है, जरा देखिए ये ब्लड को ले जा रहा है फीटस के पास, तो ले जाएगा कौन सा ब्लड, अभी आप नाम पे मत ध्यान दीजिए, ये ब्लड को ले जा रहा है तो ले जाने में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। कहाँ से ले जा रहा है, प्लासेंटा से कहाँ तक, प्लासेंटा से फीटस तक ले जा रहा है, और यहाँ पे नाम हम उल्टा दे देते हैं, एम्बिलिकल वेन दे देते हैं। इसी तरह से आर्टरी की बात करते हैं, ये फीटस से प्लासेंटा के तरफ गैसियस एक्सचेंज में काम करता है, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये ध्यान रखिएगा। एम्बिलिकल आया तो काम बदल गया, एम्बिलिकल वेन जो है प्लासेंटा टू फीटस जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, और एम्बिलिकल आर्टरी जो है फीटस टू प्लासेंटा आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के। इस तरह से हम बात करते हैं, इस मदर के ब्लड के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये अपना विलाय होता है, प्लासेंटा विलाय के थ्रू जुटा होता है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंजेस होंगे, फूड वगैरह सब कुछ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो हम बात करें ये जो अपना फीटस डेवलप होगा इसके अंदर खुद का ब्लड होता है, मदर के ब्लड से ये कनेक्शन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो अब आगे देखिएगा, यहाँ से हम ये स्ट्रक्चर प्लासेंटा को अब हम बनाएंगे, प्लासेंटा के बारे में बताएंगे, हालांकि डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, प्लासेंटा के लिए हम कुछ पॉइंट यहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना। इसको लिखिए, मिटाते हैं हम इसको। से प्लासेंटा के बारे में देख लेते हैं, प्लासेंटा करता क्या है, जरा देखिए प्लासेंटा का काम है, ये एक जो है ना मदर के साथ, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ये मदर का बॉडी हुआ, मदर का वेंस ब्लड वेसल्स हुए, और यहाँ से एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, ये रहता है प्लासेंटा, और ये रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड जो कि इस तरह से हम बात करें फीटस से जुड़ता था। तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं, ये तो एम्बिलिकल कॉर्ड रहा और ये रहा प्लासेंटा। तो प्लासेंटा एक सरफेस प्रोवाइड करता है मदर के साथ फीटस को ज्वाइंट करने में, क्लियर है क्या, एक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंटरफेस देता है किसके किसके बीच का, मदर के साथ के, मदर का डेवलपिंग टिश्यू के साथ, और इसी के थ्रू यहाँ से सब कुछ अंदर जाएगा, क्लियर है क्या। जरा देखिए इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब वेस्टेज को रिमूव करने में, न्यूट्रिशन वगैरह देता है। फिर यहाँ से बात करते हैं, ये प्लासेंटा का हार्मोनल मतलब एक एंडोक्राइन नेचर का काम, टेम्पररी एंडोक्राइन नेचर का काम करता है। इसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोइडल्स और प्रोटीन्स वाले, दो एस्ट्रोइडल हार्मोन निकलते हैं और दो प्रोटीनियस हार्मोन निकलते हैं, क्लियर है क्या। एस्ट्रोइडल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, आपको बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्लासेंटा रिलीज करता है, जिसके कारण एक प्रेग्नेंट लेडी के चार प्रेगनेंसी के चार महीने के बाद उसके दोनों यदि ओवरीज को निकाल दें फिर भी उसका एबॉर्शन नहीं होता, इसके पीछे रीजन है कि प्लासेंटा चार महीने में एक्टिव हो जाते हैं और वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है जिसके कारण प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। लेकिन हम चार महीने से पहले, प्रेगनेंसी के चार मंथ के पहले यदि हम उसके दोनों ओवरी निकाल दें तो उसके अंदर हम देखेंगे जो क्या नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाने वाले कॉर्पस लूटियम नहीं होंगे, जब कॉर्पस लूटियम नहीं होगा तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन भी नहीं होगा। फिर बात करेंगे, यहाँ से दो हार्मोन और रिलीज होते हैं, यानी दो हार्मोन और रिलीज होते हैं प्रोटीन वाले, एक का नाम देते हैं एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और दूसरा एससीएस ह्यूमन प्लासेंटा सोमेटोट्रोपिन नाम देंगे, क्लियर है कि इस सब का काम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। फिर यहाँ से देखिए एससीजी की बात करते हैं, एससीजी जो है ना प्रेगनेंसी मेंटेन हुआ और एससीजी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है प्लासेंटा के थ्रू प्रेगनेंसी में, जिसके थ्रू फीमेल की बात करते हैं। और फिर बात करते हैं, ये तो प्लासेंटा आई मतलब प्लासेंटा के आ जाने के कारण एससीजी रिलीज होता है जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में भी काम आता है, क्लियर है क्या। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके लिए आप लिखिएगा भी मत, ठीक है ना। तो इसके आगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। से प्लासेंटा के बारे में देख लेते हैं, प्लासेंटा करता क्या है, जरा देखिए प्लासेंटा का काम है, ये एक जो है ना मदर के साथ, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ये मदर का बॉडी हुआ, मदर का वेंस ब्लड वेसल्स हुए, और यहाँ से एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, ये रहता है प्लासेंटा और ये रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड जो कि इस तरह से हम बात करें फीटस से जुड़ता था। तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं, ये तो एम्बिलिकल कॉर्ड रहा और ये रहा प्लासेंटा। तो प्लासेंटा एक सरफेस प्रोवाइड करता है मदर के साथ फीटस को ज्वाइंट करने में, क्लियर है क्या, एक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंटरफेस देता है किसके किसके बीच का, मदर के साथ के,
मदर का डेवलपिंग टिश्यू के साथ, और इसी के थ्रू यहाँ से सब कुछ अंदर जाएगा। क्लियर है क्या? जरा देखिए इसका काम क्या होता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब वेस्टेज को रिमूव करने में, न्यूट्रिशन वगैरह देता है। फिर यहाँ से बात करते हैं, ये प्लेसेंटा का हार्मोनल मतलब एक एंडोक्राइन नेचर का काम, टेम्पररी एंडोक्राइन नेचर का काम करता है। इसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोइडल्स और प्रोटीन्स वाले। दो एस्ट्रोइडल हार्मोन निकलते हैं और दो प्रोटीनियस हार्मोन निकलते हैं। क्लियर है क्या? एस्ट्रोइडल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपको बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा रिलीज करता है, जिसके कारण एक प्रेग्नेंट लेडी के चार प्रेगनेंसी के चार महीने के बाद उसके दोनों यदि ओवरीज को निकाल दें फिर भी उसका एबॉर्शन नहीं होता। इसके पीछे रीजन है कि प्लेसेंटा चार महीने में एक्टिव हो जाते हैं और वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। लेकिन हम चार महीने से पहले, प्रेगनेंसी के चार मंथ के पहले यदि हम उसके दोनों ओवरी निकाल दें तो उसके अंदर हम देखेंगे जो क्या नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाने वाले कॉर्पस लूटियम नहीं होंगे। जब कॉर्पस लूटियम नहीं होगा तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन भी नहीं होगा। फिर बात करेंगे, यहाँ से दो हार्मोन और रिलीज होते हैं, यानी दो हार्मोन और रिलीज होते हैं प्रोटीन वाले। एक का नाम देते हैं एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और दूसरा एससीएस ह्यूमन प्लेसेंटा सोमेटोट्रोपिन नाम देंगे। क्लियर है कि इस सब का काम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। फिर यहाँ से देखिए एससीजी की बात करते हैं। एससीजी जो है ना, प्रेगनेंसी मेंटेन हुआ और एससीजी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है प्लेसेंटा के थ्रू प्रेगनेंसी में, जिसके थ्रू फीमेल की बात करते हैं। और फिर बात करते हैं, ये तो प्लेसेंटा आई मतलब प्लेसेंटा के आ जाने के कारण एससीजी रिलीज होता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में भी काम आता है। क्लियर है क्या? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके लिए आप लिखिएगा भी मत, ठीक है ना। तो इसके आगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। से प्लेसेंटा के बारे में देख लेते हैं, प्लेसेंटा करता क्या है। जरा देखिए प्लेसेंटा का काम है, ये एक जो है ना मदर के साथ, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ये मदर का बॉडी हुआ, मदर का वेंस ब्लड वेसल्स हुए, और यहाँ से एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, ये रहता है प्लेसेंटा, और ये रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि इस तरह से हम बात करें फीटस से जुड़ता था। तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं, ये तो एम्बिलिकल कॉर्ड रहा और ये रहा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक सरफेस प्रोवाइड करता है मदर के साथ फीटस को ज्वाइंट करने में। क्लियर है क्या? एक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंटरफेस देता है किसके किसके बीच का, मदर के साथ के मदर का डेवलपिंग टिश्यू के साथ, और इसी के थ्रू यहाँ से सब कुछ अंदर जाएगा। क्लियर है क्या? जरा देखिए इसका काम क्या होता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब वेस्टेज को रिमूव करने में, न्यूट्रिशन वगैरह देता है। फिर यहाँ से बात करते हैं, ये प्लेसेंटा का हार्मोनल मतलब एक एंडोक्राइन नेचर का काम, टेम्पररी एंडोक्राइन नेचर का काम करता है। इसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोइडल्स और प्रोटीन्स वाले। दो एस्ट्रोइडल हार्मोन निकलते हैं और दो प्रोटीनियस हार्मोन निकलते हैं। क्लियर है क्या? एस्ट्रोइडल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपको बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा रिलीज करता है, जिसके कारण एक प्रेग्नेंट लेडी के चार प्रेगनेंसी के चार महीने के बाद उसके दोनों यदि ओवरीज को निकाल दें फिर भी उसका एबॉर्शन नहीं होता। इसके पीछे रीजन है कि प्लेसेंटा चार महीने में एक्टिव हो जाते हैं और वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। लेकिन हम चार महीने से पहले, प्रेगनेंसी के चार मंथ के पहले यदि हम उसके दोनों ओवरी निकाल दें तो उसके अंदर हम देखेंगे जो क्या नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनाने वाले कॉर्पस लूटियम नहीं होंगे। जब कॉर्पस लूटियम नहीं होगा तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन भी नहीं होगा। फिर बात करेंगे, यहाँ से दो हार्मोन और रिलीज होते हैं, यानी दो हार्मोन और रिलीज होते हैं प्रोटीन वाले। एक का नाम देते हैं एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और दूसरा एससीएस ह्यूमन प्लेसेंटा सोमेटोट्रोपिन नाम देंगे। क्लियर है कि इस सब का काम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। फिर यहाँ से देखिए एससीजी की बात करते हैं। एससीजी जो है ना, प्रेगनेंसी मेंटेन हुआ और एससीजी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है प्लेसेंटा के थ्रू प्रेगनेंसी में, जिसके थ्रू फीमेल की बात करते हैं। और फिर बात करते हैं, ये तो प्लेसेंटा आई मतलब प्लेसेंटा के आ जाने के कारण एससीजी रिलीज होता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में भी काम आता है। क्लियर है क्या? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके लिए आप लिखिएगा भी मत, ठीक है ना। तो इसके आगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। से प्लेसेंटा के बारे में देख लेते हैं, प्लेसेंटा करता क्या है। जरा देखिए प्लेसेंटा का काम है, ये एक जो है ना मदर के साथ
जैसे हम अभी बात कर रहे थे, ये मदर का बॉडी हुआ, मदर का वेंस ब्लड वेसल्स हुए, और यहाँ से एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, ये रहता है प्लेसेंटा, और ये रहता है एम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि इस तरह से हम बात करें फीटस से जुड़ता था। तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड की बात करते हैं, ये तो एम्बिलिकल कॉर्ड रहा और ये रहा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक सरफेस प्रोवाइड करता है मदर के साथ फीटस को ज्वाइंट करने में के लिए, है क्या, एक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इंटरफेस देता है किसके किसके बीच का, मदर के साथ के मदर का डेवलपिंग टिश्यू के साथ, और इसी के थ्रू यहाँ से सब कुछ अंदर जाएगा। क्लियर है क्या? जरा देखिए इसका काम क्या होता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मतलब वेस्टेज को रिमूव करने में, न्यूट्रिशन वगैरह देता है। फिर यहाँ से बात करते हैं, ये प्लेसेंटा का हार्मोनल मतलब एक एंडोक्राइन नेचर का काम, टेम्पररी इंडोक्राइन नेचर का काम करता है। इसके अंदर दो तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्राइडल्स और प्रोटीन्स वाले। दो एस्ट्राइडल हार्मोन निकलते हैं और दो प्रोटीनियस हार्मोन निकलते हैं। क्लियर है क्या? एस्ट्राइडल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपको बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा रिलीज करता है, जिसके कारण एक प्रेग्नेंट लेडी के चार प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद उसके दोनों यदि ओवरीज को निकाल दें फिर भी उसका एबॉर्शन नहीं होता। इसके पीछे रीजन है कि प्लेसेंटा 4 महीने में एक्टिव हो जाते हैं और वहां से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। लेकिन हम 4 महीने से पहले, प्रेगनेंसी के 4 मंथ के पहले यदि हम उसके दोनों ओवरी निकाल दें तो उसके अंदर हम देखेंगे जो क्या नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन बनाने वाले कॉर्पस लूटियम नहीं होंगे। जब कॉर्पस लूटियम नहीं होगा तो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन भी नहीं होगा। फिर बात करेंगे, यहाँ से दो हार्मोन और रिलीज होते हैं, यानी दो हार्मोन और रिलीज होते हैं प्रोटीन वाले। एक का नाम देते हैं SCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और दूसरा SCS ह्यूमन प्लेसेंटा सोमेटो ट्रॉफिन नाम देंगे। क्लियर है कि इस सब का काम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। फिर यहाँ से देखिए SCG की बात करते हैं। SCG जो है ना, प्रेगनेंसी मेंटेन हुआ और SCG काफी ज्यादा रिलीज होता है प्लेसेंटा के थ्रू प्रेगनेंसी में, जिसके थ्रू फीमेल की बात करते हैं। और फिर बात करते हैं, ये तो प्लेसेंटा आई मतलब प्लेसेंटा के आ जाने के कारण SCG रिलीज होता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में भी काम आता है। क्लियर है क्या? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसके लिए लिए आप लिखिएगा भी मत, ठीक है ना? तो इसके आगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।